हेलो, मैं आज एक आम नागरिक की हैसियत से वर्तमान समय में जो चल रहा है कोरोना, उसके संबंध में कुछ बातें करना चाह रहा हूँ। जैसे कि आज ये देखने में आ रहा है कि कोरोना जो है वो भय का वातावरण बनाने का एक अच्छा जरिया बन गया है। ख़ास तौर से आपके न्यूज़ चैनल और अखबार, इनमें यदि आप कोई न्यूज़ देखेंगे तो ये आपको जो है वो डराने का कार्य कर रही हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि इसको हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं, कोरोना ब्लास्ट, ये रीवा का पेपर है, रीवा जिले के बारे में लिखा गया है। कोरोना ब्लास्ट, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी व एंथीसिया डॉक्टर सहित 33 संक्रमित। तो 33 लोग संक्रमित पाए गए हैं, और ये देखें जाँच कितनी हुई है। तो कुल जाँच मंगलवार का है आपका, ये 1589 सैंपलों की जांच हुई, जिसमें मात्र 31 जो है वो संक्रमित पाए गए हैं रीवा ज़िले में। तो रीवा ज़िले की जनसंख्या यदि हम देखें तो 2011 की जो अंतिम जनगणना हुई थी तो जनसंख्या यहाँ की थी 23,65,000 के लगभग। और यदि हम अनुमानित जनसंख्या वर्तमान में लगाएं 2022 में, तो रीवा की अनुमानित जनसंख्या जो है वो है 27,68,000। तो 27,68,000 लोगों में जो है मात्र मंगलवार को 31 संक्रमित पाए गए। और इसको बढ़ा चढ़ाकर कैसे लिखा गया है कि कोरोना ब्लास्ट, जैसे कि बहुत बड़ी घटना हो गई हो, बहुत ज़्यादा लोग संक्रमित पाए गए हों, तो एक प्रकार से ये भय का वातावरण बनाया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि कोरोना से खतरा नहीं है, कोरोना से निसंदेह रूप से खतरा है, इससे आप बचाव रखें, मास्क का प्रयोग करें, बाहर से आने से कहीं पर भी हाथ आप धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, भीड़ भाड़ स्थान जाने से बचें। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आपको बिल्कुल डरा दिया जाए, कि आप डर करके अपने जीवन जीने की इच्छा को ही जो है वो त्याग टाइप कर दें। अब हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक न्यूज़ आपकी ये लिखी हुई है, जैसे कि रीवा में 2 मरीज जो है वो गंभीर हालात में अस्पताल में एडमिट हैं। तो एक मरीज जो है आपका, दोनों मरीज, एक मरीज नागपुर से आया है, एक मरीज रीवा का ही है, तो दोनों मरीज जो है वो कोरोना कारण से गंभीर बीमारी, तो गंभीर रूप से ग्रस्त हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ये भी लिखा है कि दोनों मरीज कोरोना के अलावा अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। तो ये भी देखने में आ रहा है कि जो मौतें हो रही हैं, ज़्यादातर मौत शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मृत्यु नहीं होती। कोरोना में जो है मृत्यु शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन कोरोना में जो है मौत शब्द का, जो अपने आप में एक बहुत डरावना शब्द है, उसका उपयोग किया जा रहा है कि मौत हुई। तो इस तरह के शब्दों का उपयोग ना किया जाए, बल्कि बड़ी शालीनता ढंग से जो है इसका रिपोर्टिंग की जानी चाहिए थी, पेपरों में भी और टीवी चैनलों में। निसंदेह रूप से सरकारों को भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन लोगों को भी निर्देश देने चाहिए कि इस तरह की अतिशोक्तिपूर्ण न्यूज़ ना छापी जाए, डरावनी न्यूज़ ना छापी जाए। समान न्यूज है, इसको समान ढंग से जो है वो छापा जाए। तो इतनी बड़ी आबादी में यदि कुछ लोग संक्रमित हो जाते हैं, और उसमें से ये भी देखने में आ रहा है कि ज़्यादातर लोग जो है वो ठीक हो रहे हैं। जैसे कि एक न्यूज़ ये देखिए कि रीवा ज़िले में कुल संक्रमित केस जो है वर्तमान में 93 हैं, और इनमें से भी जो है वो 3 लोग स्वस्थ होकर वापस लौट चुके हैं। तो मात्र 93 एक्टिव केस हैं। तो जनसंख्या अगर हम देखें तो 27,68,000 जनसंख्या जो वर्तमान अनुमानित है, उसमें 93 लोग संक्रमित होना जो है वो बहुत बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है, जिसको हम जो है वो इस तरह की हेडिंग उपयोग करें, कोरोना ब्लास्ट, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, है ना, कोरोना ब्लास्ट, विस्फोट, इस तरह चीज़ें हमें उपयोगी नहीं है। इस तरह की जो है निसंदेह रूप से ये साबित करती हैं कि कोरोना के नाम पर हमको डराया जा रहा है। तो मेरा अंत में यही कहना है कि निसंदेह रूप से कोरोना से बचाव करें, लेकिन अखबार वालों से भी ये अपील है, मीडिया वालों से ये अपील है कि कोरोना की न्यूज़ों को जो है बढ़ा चढ़ा करके ना पेश करें, बल्कि मौत के स्थान पर जो है मृत्यु लिखी जा सकती है। और यह भी स्पष्ट करें कि क्या केवल कोरोना के कारण मृत्यु हुई है या अन्य बीमारियों का भी इसमें जो है वो रोल है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों तक ये पहुँचे, और लोगों में जो कोरोना के प्रति जो है वो अनावश्यक रूप से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है प्रकार से, और हमारे जीवन को जो है वो, हमारी सोच को जो है विकृत किया जा रहा है, तो इस पर रोक लगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।